हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग टेक ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आ गया हूं लेके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे व्यूअर्स के। काफी टाइम से मैं काफी बिजी था क्योंकि मेरे घर में एक फंक्शन था। मेरी सिस्टर की मैरिज थी, तो वहां पे मैं काफी ज्यादा बिजी रहा। तो इस बिजी शेड्यूल में मैं अपना कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी। और मैं अपने व्यूअर्स के काफी सारे फोन कॉल्स भी शायद पिक नहीं कर पाया और शायद प्रॉपरली उनके आंसर्स भी नहीं कर पाया क्योंकि फंसा हुआ था। तो इसके लिए वेरी सॉरी। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में, कुछ वीडियोस में अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया था और बहुत सारे व्यूअर्स के मुझे बहुत सारे फोन आए, फोन कॉल्स आए, और उनको मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे कॉल किया, अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के और अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज पूछे अपनी अपनी मनपसंद गाड़ियों के अकॉर्डिंगली। और दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अपने फ्रेंड्स के, अपने व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो उन्होंने मुझे पोस्ट करे नीचे कमेंट सेक्शन में। उन्हीं क्वेश्चंस पे मैं आज अपना ये वीडियो लेके आया हूं और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा। और आपके भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, मैं उनके आंसर्स जरूर दूंगा। और वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए, बेल बटन ऑलरेडी नहीं दबाया तो दबा दीजिए। अपने फ्रेंड्स को एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ फ्रेंड्स बार बार बेल बटन को दबाते हैं हर बार वीडियो देखने पे, ऐसा नहीं करना। अगर आपने एक बार दबाया है तो दोबारा जरूरत नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी जैसे ही वीडियो नया अपलोड होगा। तो शुरुआत करूं मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से जो मेरे व्यूअर्स ने मुझे पूछे हैं। तो ये क्वेश्चन है मोहनलाल खिची का। तो ये कह रहे हैं कि भाई, मैंने भी अमेज एस जो एसएमटी है वो बुक करवा ली है आपकी रेकमेंडेशन पे। तो मोहनलाल जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी रेकमेंडेशन को जांचा परखा और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी गाड़ी चूज करी। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेश सलूजा जी, क्वेश्चन नहीं है, ये भी कह रहे हैं पाजी, इन्होंने आई बाय अमेज डीजल वी वेरिएंट इन्होंने परचेस किया है सीवीटी में एज पर योर एडवाइस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स आपने नरेश जी मेरी रेकमेंडेशन पे। एक्चुअली इट्स नॉट माय रेकमेंडेशन, ये मेरा रिव्यू है, ये मेरे व्यूज हैं कि कौन सी गाड़ी अच्छी है, आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये बेहतर लगी तो आपने परचेज करी। थैंक यू सो मच नरेश जी। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है सावन बरोज जी का। सावन बरोज जी यहां कह रहे हैं पाजी, आई गॉट अमेज एसएमटी एट 681, मतलब 681,000 की इन्होंने अमेज एसएमटी पेट्रोल वर्जन की बात कर रहे हैं, ये इन्होंने परचेज करी है 2019 मॉडल विद बंच ऑफ एक्सेसरीज, केप्ट नेगोशिएटिंग टिल लास्ट विद योर हेल्प, थैंक यू। ये इनका नाम है सावन जी। तो सावन जी, तो आपने अगर मेरी हेल्प ली तो काफी अच्छा लगा मुझे, आपने मेरी हेल्प ली, लेकिन आप तो मेरे से भी आगे निकल गए। बहुत सारे व्यूवर्स मुझे पूछते थे बार बार कि हाउ टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, बार बार मेरी वीडियो के नीचे क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत सारे व्यूअर्स के कि आपने इतना डिस्काउंट कैसे लिया। लेकिन आपने रियलिटी से सीखना है तो इनका नाम है सावन जी, इनसे सीखिए। इन्होंने 6 लाख अप्रोक्सीमेटली 80,000 में 2019 मॉडल परचेज किया है। मैंने परचेज किया था 6,70,000 में 2018 मॉडल, ये एक साल नया मॉडल लेके आए हैं 10,11,000 के डिफरेंस में। काफी अच्छा लगा, आपने मेरी बताई हुई बातों को फॉलो किया, नेगोशिएशन स्किल्स, अगर उसी नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में आपने कोई वीडियो मेरा पहला मिस किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियो देख के आप ही ऐसे ही नेगोशिएशन स्किल्स सीख के नेगोशिएट कर सकते हो और मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी ले सकते हो। थैंक यू सावन जी। और उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन जो मेरा जो नेक्स्ट कमेंट है वो माइलेज के बारे में आया है। माइलेज, जैसे ही मैंने अमेज की माइलेज 20.7 की क्लेम करी थी और उसका वीडियो मैंने अपलोड भी किया था, काफी व्यूअर्स के नेगेटिव व्यूज तो नहीं कहूंगा लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन होती है, वो कह रहे थे कि इतनी माइलेज अमेज पेट्रोल में आपको नहीं मिल सकती।
लेकिन ये मेरे एक व्यूअर हैं जिन्होंने क्या कह रहे हैं, आप ध्यान से पढ़िए। आई गॉट 19.8 माइलेज बिफोर फर्स्ट सर्विस ऑन चंडीगढ़ टू पटियाला रूट एंड आफ्टर फर्स्ट सर्विस आई गॉट 18.4 माइलेज ऑन चंडीगढ़ टू खरड़। भीड़ वाले एरिया में भी अच्छी एवरेज मिल रही है और खुशी का साइन वो शो कर रहे हैं। नाम है करणवीर सिंह। तो करणवीर सिंह ने 18.4 की माइलेज काफी रश वाले, काफी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाले एरिया में निकाली है। और उसके अलावा 19.8 की माइलेज उन्होंने हाईवे पे निकाली है। तो दैट मींस कि काफी अच्छी माइलेज जो अमेज पेट्रोल क्लेम करती है वो देती भी है एक्चुअल में। इसके बाद एक और कमेंट है नीचे, आई गॉट 21 माइलेज विद पेट्रोल। ये है प्रतिभा सिंह जी, इन्होंने 21 की माइलेज क्लेम करी है, क्लेम नहीं करी है, ये एक्चुअल माइलेज इन्होंने निकाली है और अपने फ्रेंड्स के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करी है। उसके बाद मेरे पास जो क्वेश्चन है वो अमेज और एस्पायर के बारे में है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं गौरव जी। गौरव जी का पूछना ये है कि मैंने परचेज करनी है अमेज या एस्पायर, दोनों में से ये पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन चूज करना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी। दोनों ही गाड़ियों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इंजन का डिफरेंस है और कुछ बॉडी लाइन का डिफरेंस है। इंजन वाइज मैं आपको पहले ही बता दूं कि पेट्रोल इंजन अमेज में 4 सिलेंडर इंजन है जो कि ज्यादा रिफाइन है एस्पायर पेट्रोल के इंजन से, जो कि 3 सिलेंडर इंजन होगा। काफी ज्यादा थोड़ा सा नॉइस का यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा, रिफाइनमेंट का यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अमेज का जो पेट्रोल इंजन है उसका जो पिकअप है थोड़ा सा एस्पायर से कम है। उसका कारण ये है कि एस्पायर के जो बीएचपी है उसका डिफरेंस काफी ज्यादा है। अभी फिलहाल मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि बीएचपी का कितना डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अमेज इज बेटर देन एस्पायर, यू शुड गो फॉर एस्पायर पेट्रोल। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टियागो के बारे में। टियागो जी हाँ, ये क्वेश्चन कर रहे हैं फिनिक्स, ये शायद उनके चैनल का नेम है या उनका कुछ उन्होंने नेम रखा है। ये इनका जो क्वेश्चन है वो है कि टियागो में सीएनजी कब आएगी। मेरा क्वेश्चन है कि आएगी भी या नहीं आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाटा की कोई प्लानिंग है कि वो अपनी टियागो में सीएनजी का ऑप्शन दे, क्योंकि टाटा की प्लानिंग कुछ आने वाले दो साल के अंदर अंदर उनकी प्लानिंग है कि वो इलेक्ट्रिक वर्जन अपना लॉन्च कर देंगे टियागो का। तो मुझे इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि टाटा अपना सीएनजी वर्जन लॉन्च करेगी। हाँ, सीएनजी वर्जन में आप लेना चाहते हो तो एस्पायर में आपको सीएनजी कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले लॉन्च हुई है, आप वो परचेज कर सकते हो, लेकिन टियागो में कोई चांस नहीं है। उसके बाद जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं रोहित जी। तो इनका क्वेश्चन ये है, एक्चुअली इनका क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूजन है। ही इज कंफ्यूज बिटवीन अमेज एंड वरना। वरना ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूं नई वरना की, जो कि नेक्स्ट जनरेशन वरना है। देखिए रोहित जी, कोई कंपैरिजन नहीं है अमेज और वरना का, दोनों ही अलग अलग, दोनों सेडान में है, एक थोड़ी लग्जरी सेडान है, एक थोड़ी नॉर्मल सेडान है, प्राइस का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वेरिएशन बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कंपैरिजन नहीं है दोनों गाड़ियों का। एक में काफी छोटा इंजन है, मतलब उसकी पावर जो है वो इतनी नहीं है, अमेज की मैं बात कर रहा हूं। अगर इसके कंपैरेटिवली मैं बात करूं वरना की, तो काफी रिफाइंड इंजन है और इसके अलावा काफी ज्यादा आपको पंची इंजन मिलेगा। अब कोई कंपैरिजन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि वो ज्यादा एक प्रीमियम सेगमेंट की सेडान आ जाती है और ये एक छोटे थोड़े स्टार्टिंग लेवल की सेडान है। हाँ, फिर भी अगर बजट की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप अमेज पे जा सकते हो। अगर बजट की प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी बजट की कोई समस्या नहीं है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर वरना, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आपके भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।